अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद पहली बार बुधवार रात को देश की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नई पीढ़ी को मशाल सौंपने की बात कही और देश को उम्मीद और नफरत के बीच चुनाव करने का संदेश दिया। अपने भाषण में जो बाइडेन ने कहा, मैं नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहा हूँ, यह समय है कि युवा नेतृत्व आगे आए और देश को नई दिशा दे। हमें अपने भविष्य के लिए उम्मीद और नफरत के बीच चुनाव करना है। बाइडेन को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एकजुट करने और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका के सामने आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा। बाइडेन ने जनता से अपील की कि वह नफरत और विभाजन की राजनीति को त्याग कर एकता और सद्भावना को अपनाएं। बाइडेन के इस संबोधन पर अमेरिकी जनता की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उनके निर्णय की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके हटने के फैसले से निराश हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बाइडेन का यह कदम अमेरिका की राजनीति में नए बदलावों का संकेत है।